ये पराठा बनके तैयार हो गया, तो अब खा लेते हैं। आ जाएं आप भी खा लें, मजा लें। मैं इसको खाऊंगी ऐसे, वैसे तो दही के साथ बहुत मज़े का लगता है। मैं फिर बता देती हूँ, पहले दो छोटे छोटे पेड़े बना लें, फिर उनको बेल लें। बेल के एक के अंदर वे ये मूली रख ले, मूली को फिर दूसरा पेड़े को थोड़ा सा बेल के उतनी रोटी बना बराबर बनानी है, बना के फिर उसके ऊपर रख के फिर दोनों को इकट्ठा करके फिर अपने हाथों से प्रेस करना है उसको साइडों से। जब प्रेस हो जाएगा तो फिर आप चाहे तो हाथों से काट ले नरम, वरना ये बेलनी के साथ बेल लें, जो बेलन होता है उसके साथ बेल के फिर आप तवे के ऊपर डाल सकते हैं। और आपका इंशाल्लाह इतना अच्छा और बाबरकत बनेगा पराठा। चले चलो ठीक है, फिर अब हम इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉक में। अल्लाह हाफिज़। आपका हावी व नासिर हो, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन सुमामीन या रब्बुल आलमीन। ओके अल्लाह हाफिज़।